नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फ्री में। देखिए आज मैं आपके लिए जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, जल का घनत्व किससे नापते हैं? जल का घनत्व किससे नापते हैं? तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोमीटर से। जल का घनत्व हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर दो, जल की आर्द्रता किससे नापते हैं? जल की आर्द्रता किससे नापते हैं? तो इसका उत्तर होगा हाइग्रोमीटर से। क्वेश्चन नंबर एक में हाइड्रोमीटर है, क्वेश्चन नंबर दो में हाइग्रोमीटर है। क्वेश्चन नंबर तीन, दूध का घनत्व किससे नापते हैं? दूध का घनत्व किससे नापते हैं? तो इसका उत्तर होगा लैक्टोमीटर से। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर चार, संतोष ट्रॉफी, कोका कप, डोरंड कप किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी, कोका कप, डोरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर पाँच, किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है? किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है? तो इसका उत्तर होगा बुध व शुक्र के। क्वेश्चन नंबर छः, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें गुरु थे। क्वेश्चन नंबर सात, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1699 में। क्वेश्चन नंबर आठ, कचीपुड़ी किस प्रदेश का नृत्य है? कचीपुड़ी किस प्रदेश का नृत्य है? तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर नौ, भारतनाट्यम किस प्रदेश का नृत्य है? भारतनाट्यम किस प्रदेश का नृत्य है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर दस, मोहिनी अट्टम किस प्रदेश का नृत्य है? मोहिनी अट्टम किस प्रदेश का नृत्य है? तो इसका आंसर होगा केरल राज्य का। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा गोंड जनजाति। जी हाँ, गोंड जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 17, झांसी की रानी पुस्तक के लेखक कौन है? झांसी की रानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा वृंदावन लाल वर्मा, झांसी की रानी पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 18, खूब लड़ी मर्दानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान खूब लड़ी मर्दानी पुस्तक के लेखक हैं, लेखिका हैं या लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका उत्तर होगा अमावस्या को। सूर्य ग्रहण अमावस्या को सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने के कारण होता है। जी हाँ, सूर्य ग्रहण सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने के कारण सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? तो उत्तर होगा पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने से होता है। जी हाँ, चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने से होता है। क्वेश्चन नंबर 22, सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा मुंबई को। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ खोला गया? जी हाँ, प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ खोला गया? तो उत्तर होगा डिगबोई, असम में। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? भारत में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? तो उत्तर होगा 33%। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रिज में कौन सी गैस होती है? फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो उत्तर होगा फ्योन गैस। अगर फ्योन गैस
ऑप्शन में नहीं है, तो उत्तर होगा अमोनिया गैस। क्वेश्चन नंबर 26, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक मान होता है, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक मान होता है, तो उत्तर होगा ध्रुवों पर, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक मान ध्रुवों पर होता है। क्वेश्चन नंबर 27, गुरुत्वाकर्षण का न्यूनतम मान होता है, तो उत्तर होगा भूमध्य पर, गुरुत्वाकर्षण का न्यूनतम मान भूमध्य पर होता है और सर्वाधिक होता है ध्रुवों की ओर, यानी ध्रुवों पर। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर की प्रथम वैज्ञानिक भाषा कौन सी थी, कंप्यूटर की प्रथम वैज्ञानिक भाषा कौन सी थी, उत्तर होगा फोरट्रान, कंप्यूटर की प्रथम वैज्ञानिक भाषा फोरट्रान थी। क्वेश्चन नंबर 29, नील नदी कहाँ से निकलती है, जी हाँ नील नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका उत्तर होगा विक्टोरिया झील से। क्वेश्चन नंबर 30, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका उत्तर होगा 15 खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 31, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, तो उत्तर होगा डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 32, पंजाब का शेर किसे कहते हैं, पंजाब का शेर किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा लाला लाजपत राय को। क्वेश्चन नंबर 33, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु कब हुई थी, जी हाँ गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी जी के गुरु थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो उत्तर होगा 1915 में। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो उत्तर होगा विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 35, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 37, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 38, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, तो उत्तर होगा 1995 में, जी हाँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषा कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषा कौन सी है, तो उत्तर होगा अंग्रेजी व फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा मुगल शासक न्याय के लिए प्रसिद्ध था, कौन सा मुगल शासक न्याय के लिए प्रसिद्ध था, तो उत्तर होगा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 41, निर्वाचन की उम्र, क्वेश्चन नंबर 41 निर्वाचन की उम्र देखते हैं, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, उसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, उसके बाद देखते हैं लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, धन्यवाद।